मुझे महाराज रास्ते में मिले, जिसमें कि मुझे नेशनल रोड से चल रहा था मैं, तो ये आशापुरम मंदिर के थोड़ा सी 1-1.5 किलोमीटर दूरी में मिले, जिसमें कि राजस्थान रोड में चलना है मुझे। ये सामने खड़े हैं महाराज, और मैं इस मंदिर की पूरी आपको सामागिरी रोड से मुझे क्रॉस होना है राजस्थान रोड के लिए। आपको ये पूरा मंदिर का दिशा दिखा रहा है, ये कुछ पूछना चाहते हैं और मैं इन्हें हाथ में कैमरा दे रहा हूँ। हाँ सर। हाँ नमस्ते सर। पहले तो मैं आपका धन्यवाद या थैंक यू कहता हूँ, आप ये हमारा इंडिया का फ्लैग लेके घूम रहे हो, इसलिए मैं आपको वेलकम कहता हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? मैं सर नागपुर से चला है 26 जनवरी को, 45,711 किलोमीटर साइकिलिंग 9 पॉइंट, जिसमें कि एक लक्ष्य लेके चला है भारत देश के शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता अभियान, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, नशीली चीज़ें नई पीढ़ियों को मुक्त करा जाए, प्रदूषण से बचाया जाए। और मैं सभी भारत देश की जनताओं से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो थोड़ा सी अपना सेहत का ख्याल रखिए, जिसमें कि आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप सुबह सूर्य जैसा निकलता है, तो आपको करने के लिए सद्भावना पैदा होगी कि हमें कुछ करना है देश के लिए। नौ एक बच्चे हो या बूढ़ी बूढ़ा इंसान हो या ज़्यादा उम्र के हो, इसे योगा करना बोला है तो किसी के लिए कोई उम्र का इसमें नहीं लिमिट, कुछ कोई भी इंसान कर सकता है। अगर उसमें सद्भावना अगर पैदा हो गई तो देश के लिए मेरे जैसा ऐसे कई बच्चे रनिंग साइकिल रेसिंग का या फिर कुछ भी कर सकते हैं, उसमें सिर्फ भावना होना चाहिए, कुछ करना है। मैं ऐसे ही आपके आशापुरम मंदिर में आपने मुझे रहने के लिए जो व्यवस्था दी महाराज ने, और यहाँ के पूरे स्टाफ के लोगों ने, और यहाँ के मेन अध्यक्ष हो जाए जो भी है आपके मंदिर के संचालक, तो मैं सभी को दिल जान से और भारत की ओर से आपका वो शुक्र गुजार करता हूँ। आपने रात के टाइम मुझे जो सहारा दिया आशापुरम मंदिर के अंदर में, मैं कल ये सामने साइन बोर्ड देख रहे हो अपने सामाखेरी कर से रोड है, यहाँ से मुझे बाईपास रोड है जिसमें कि राजस्थान के लिए रवाना होऊंगा, उनका मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ। उन्होंने मेरे को सही समय में सही जगह में मेरे को स्थान दिया रहने के लिए, रात भर सुबह 6:30 बजे मैं सामाखेरी से राजस्थान के लिए रवाना होऊंगा। ऐसा ही मैं पंडित जी का और मंदिर की माता रानी का और भारत माता का और सभी माताओं का, और मैं दिल जान से जय हिंद जय भारत कहता हूँ, जय भारत माता की जय। आपको कितने दिन हुआ? मुझे सर अभी 40। कोई रास्ते में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत है कुछ नहीं हुई मुझे। लोगों का कैसा सपोर्ट है? मुझे महाराष्ट्र से लेकर के सत्कार वित्कार खाना पीना वीना सब सूरत से, महाराष्ट्र से अच्छा रहा, पब्लिक ने अच्छा सपोर्ट करी, मुझे पैसा दिला जो भी देना था मुझे पैसा दिला भी दिया उन्होंने, रात में रुकाया भी, किसी भी जनता ने अपने फ्लाइट में ले गया, किसी ने फार्म हाउस में ले गया, किसी ने कहीं लेके गया, किसी ने समय आया तो नहीं मिलने के कारण में उसकी जंगल में भी सोना पड़ा टाइम निकाल करके, किसी बस स्टैंड हो गया या कोई झोंपड़ी पे देख करके मैं वहाँ सो गया। और मेरे को मैं जनता का बहुत आभारी हूँ इस बात से कि जनता ने मुझे किसी भी तरह से कोई तकलीफ नहीं होने दी, और अभी भी नहीं हो पा रही है। राजस्थान की तरफ जाने के बाद पता चलेगा वहाँ के कैसा क्या वातावरण है, फिर मैं आपको इंडिया की जनताओं को शुभकामना और सुख इच्छा दूंगा मैं, उसके लिए अभी इंतज़ार करिए। जय हिंद जय भारत।